जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी, आज का जो मेरा वीडियो है CRPF पैरामेडिकल स्टाफ की जो आप लोग की वैकेंसी 2020 में आई थी, 789 आप लोग की वैकेंसी थी। कई पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, SI, ASI, इंस्पेक्टर की आप लोग की वैकेंसी थी। फिजिकल समय पे लिए गए, कई सेंटर आप लोग के यहाँ पे बनाए गए थे, कांस्टेबल वालों के अलग लिए गए थे। इसके अलावा SI, ASI, हेड कांस्टेबल वालों के यहाँ पे अलग फिजिकल आप लोग के हुए थे। फिजिकल की पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी। फिजिकल पास करने वाले कैंडिडेट की संख्या भी मैंने आप लोग को बताई थी। और अभी आप लोग को पता होना चाहिए कांस्टेबल, जी हाँ, कांस्टेबल की जो 6 ट्रेड थी उनके यहाँ पे रिटर्न एग्जाम ले लिए गए। तो जैसे ही इनके रिटर्न एग्जाम हुए हैं, रिजल्ट, वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन SI, ASI, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर वाले जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं अपने रिटर्न एग्जाम का। सर, हमारा रिटर्न एग्जाम कब होगा? रिटर्न एग्जाम होगा तो कैसे होगा? ऑनलाइन होगा, जिस तरीके से कांस्टेबल वालों का हुआ, एक जानकारी दीजिए, वीडियो बनाइए। तो देखिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, रियल और सटीक जानकारी ही आप लोग को मिलेगी। तो काफी अच्छी वैकेंसी है, आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, कांस्टेबल वालों के यहाँ पे रिटर्न एग्जाम ले लिए हैं तो अब आप लोग की बारी है। बिल्कुल अब आप लोगों का ही नंबर है। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन में आप लोग ना रहे कि आप लोग के रिटर्न एग्जाम और ज्यादा यहाँ पे डिले होंगे। नहीं, तैयारी आप लोग करते रहिए, समय जितना निकल गया उसे छोड़िए। अब जो समय है वो आप लोग का इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये समय आप लोग का इंपॉर्टेंट है, इस समय को आप लोग मत जाने दीजिए, क्योंकि रिटर्न एग्जाम बहुत ही जल्द आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कई ट्रेडों की आप लोग की वैकेंसी यहाँ पे, इंस्पेक्टर, डाइटिशियन की वैकेंसी थी, और SI की जो वैकेंसी थी स्टाफ नर्स की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, 175 वैकेंसी स्टाफ नर्स की, और रेडियोग्राफर की भी आप लोग की इसमें वैकेंसी। तो स्टाफ नर्स की जो ये वैकेंसी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ASI की आप लोग की वैकेंसी थी, फार्मासिस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजिस्ट की, ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन की आप लोग की वैकेंसी थी। इसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 64 वैकेंसी थी, अच्छी खासी वैकेंसी थी। इसके बाद आप लोग की हेड कांस्टेबल, नर्सिंग असिस्टेंट, जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, स्टीवर्ड और इलेक्ट्रीशियन की आप लोग की वैकेंसी थी। 10 ट्रेडों में आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी। और इसके अलावा जो आप लोग की कांस्टेबल की तो जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। तो यहाँ पे SI, ASI, हेड कांस्टेबल वाले बच्चे वेट कर रहे हैं आप लोग को। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं, आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे जो आप लोग के फिजिकल हुए थे, 11 सेंटरों पे फिजिकल लिए गए थे SI, ASI, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर वालों के, और 60,000 प्लस कैंडिडेट थे। जी हाँ, 60,035 कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ पे फिजिकल में भाग लिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग के रिटर्न एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाली है। जी हाँ, 60,000 प्लस कैंडिडेट थे जिन्होंने कि यहाँ पे रिटर्न फिजिकल में यहाँ पे भाग लिया था। और इसके बाद रिटर्न एग्जाम में कितने बंदे पार्टिसिपेट करने वाले, इसकी अभी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अब आप लोग के रिटर्न एग्जाम का नंबर है तो इसकी जानकारी भी आप लोग को जल्दी मिलेगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। जी हाँ, वैकेंसी अच्छी है आप लोग की, जो आप लोग की इसमें स्टाफ नर्स की वैकेंसी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, रिटर्न एग्जाम की जानकारी मैं आप लोग को दे दूं, जब आपके कांस्टेबल वालों के रिटर्न एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हुए थे 27-28 को, तो विभाग में आपके रिटर्न एग्जाम की भी चर्चा यहाँ पे चल रही थी कि अप्रैल माह में आप लोग का रिटर्न एग्जाम यहाँ पे ले लिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल रियल जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ, अप्रैल माह में आप लोग के रिटर्न एग्जाम ले लिए जाएंगे। लेकिन डेट कन्फर्म नहीं थी और यही कहा जा रहा था कि अप्रैल स्टार्टिंग में आप लोग के यहाँ पे रिटर्न एग्जाम लिए जा सकते हैं, बट कोई ऐसा नोटिस या कोई ऐसी सबूत या कुछ ऐसा मेरे को नहीं मिला, इस वजह से मैंने आप लोग को जानकारी नहीं दी। तो अभी क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, देखिए अभी जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, अभी आप लोग के रिजल्ट यानी कि आप लोग के रिटर्न एग्जाम की कोई डेट, एक डेट यहाँ पे अभी तक फिक्स नहीं की गई है कि आप लोग की 15 अप्रैल को, 20 अप्रैल को या फिर 28 अप्रैल को इस तरीके से आप लोग का एग्जाम ले लिया जाए। जी हाँ, एक पॉसिबिलिटीज बनी हुई थी, आप लोग के एग्जाम यहाँ पे हो जाने चाहिए थे, लेकिन और भी CRPF के बहुत से वर्क और इसके अलावा आपके जो रिटर्न एग्जाम होने हैं किस तरीके से होने, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आप लोग के रिटर्न एग्जाम होने में। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर जानकारी आप लोग को दे रहा हूँ, अभी आप लोग की कोई एक डेट फिक्स नहीं है जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकूँ। और एक डेट फिक्स ना होने की वजह से मैंने प्रीवियस में भी आप लोग को इसकी जानकारी नहीं दी थी, लेकिन कांस्टेबल वालों के जैसे ही रिटर्न एग्जाम हुए हैं, उनके रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद से बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ पे हेड कांस्टेबल, ASI वाले बच्चे। जी हाँ,
स्पेशली स्टाफ नर्स और जो रेडियोग्राफर की आप लोगों की वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है और बहुत लंबा आप लोगों ने इंतजार किया है। रिटन एग्जाम अब आप लोग के होने चाहिए। तो देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूं, डेट फिक्स नहीं है लेकिन रिटन एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज आप लोग की अप्रैल की ही निकल के आ रही थी। तो यदि पॉसिबिलिटीज बनी हुई थी, विभाग आप लोग का एग्जाम लेने की सोच रहा था, तो बिल्कुल आप लोग का एग्जाम यहाँ पे होगा होगा। अप्रैल फर्स्ट वीक में आप लोग की यहाँ पे डेट नहीं आ सकी, मत घबराइए, बिल्कुल नहीं घबराना है। जी हाँ, आपके रिटन एग्जाम का ही अब प्रोसेस यहाँ पे चलने वाला है। डेट अभी कंफर्म नहीं है लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, बहुत ही जल्द आप लोग को यहाँ पे रिटन एग्जाम देखने को मिलेगा। एसएससी जीडी के फिजिकल्स की वजह से यहाँ पे आप लोग का जो है थोड़ा सा डिले यहाँ पे हो सकता है, डेट को डेट तय करने में यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप लोग का रिटन एग्जाम होगा, बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म। यदि आप लोग मेरे से कहते हैं कि सर आप अपनी तरफ से डेट बताइए, तो देखिए जो इस वक्त चल रहा है सीआरपीएफ में, ठीक है, चाहे वो आप लोग के एसएससी जीडी को लेकर के हो या फिर आप लोग के कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट पैरामेडिकल की रही हो, तो अभी आप लोग के अप्रैल माह में रिटर्न एग्जाम होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं नजर आ रही। जी हाँ, अप्रैल माह में आप लोग के रिटर्न एग्जाम होने की कोई पॉसिबिलिटीज, कोई न्यूज अभी तक नजर नहीं आ रही है। तो ये मान के चलिए अप्रैल माह में आप लोग के रिटर्न एग्जाम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म मैं आप लोग को कर सकता हूँ कि मई, जी हाँ मई लास्ट तक आप लोग को यहाँ पे अपने रिटर्न एग्जाम देखने को मिलने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल रिटर्न एग्जाम देखने को मिलने चाहिए, मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। अब बात यह आती है कि सर रिटर्न एग्जाम कैसे होंगे, क्या हमारे रिटर्न एग्जाम भी यहाँ पे ऑनलाइन होंगे? जी नहीं, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। यदि आपके ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होने होते तो आप लोग के अब तक रिटर्न एग्जाम हो चुके होते। जो जानकारी मेरे पास है मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है। आने वाले समय में क्या होगा, क्या डिपार्टमेंट कुछ चेंजेस करता है, उसकी जानकारी भी आप लोग को दी जाएगी। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है, ऑनलाइन आप लोग के एग्जाम होने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, क्योंकि काफी कम कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे रिटर्न एग्जाम में भाग लेने वाले हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए 60,000 कैंडिडेट तो सिर्फ यहाँ पे फिजिकल देने वाले थे, तो रिटर्न एग्जाम देने वाले बंदे तो बहुत ही कम है। ऑनलाइन एग्जाम कराना पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, और कई ट्रेडों में आप लोग की वैकेंसी है, तो सभी ट्रेडों के लिए अलग अलग ऑनलाइन एग्जाम कराना मीन्स अलग अलग पैटर्न पे, ये भी एक बहुत ही टेढ़ी खीर है। तो पॉसिबिलिटीज बिल्कुल नहीं है और इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास नहीं है आप लोग के रिटर्न एग्जाम ऑनलाइन होने के। जी हाँ, ऑफलाइन ही आप लोग के यहाँ पे एग्जाम देखने को मिलेंगे और मिलने चाहिए, क्योंकि सभी का एग्जाम पैटर्न यहाँ पे अलग है, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, फिर चाहे वो आप लोग का रेडियोग्राफर हो या फिर और भी जो भी अदर वैकेंसियां हैं हेड कॉन्स्टेबल एएसआई एएसआई की। तो बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही जल्द मई लास्ट तक आप लोग के यहाँ पे रिटर्न एग्जाम देखने को मिलने चाहिए और यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होने की कोई पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही है, तो ऑनलाइन एग्जाम आप लोग के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अब भी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाते रहो। थैंक यू।